क्या हुआ, सब खैरियत है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे। ज़िशान के लिए फिक्र हो रही है मुझे। उसने शाज़मा के साथ कैसे गुजरेगी उसकी? अभी शादी को देने कितने हुए हैं जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स नजर आना भी शुरू। क्यों, कोई मसला हुआ है? पता नहीं, शायद आपस में झगड़ा हुआ है उन दोनों का। वहां बाहर मुंह फुलाए बैठी हुई और ज़िशान उसको मनाने की कोशिश कर रहा और वो टस से मस नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं है उसे इस तरह देखकर मुझे कैसा लगा। मेरा छोटा लाडला भाई, उसकी ख्वाहिश उसके मुंह से निकलने से पहले मैं पूरी कर दिया करता। आज वो अपनी बीवी के आगे हाथ छोड़, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसको इस तरह देख। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं वहां जाऊं और शाज़मा को दो खरी खरी सुन, मगर फिर ये सोच के रुक गया कि दोनों मियां बीवी के आपस का मामला है, मेरा बोलना अच्छा नहीं लगे। बिल्कुल ठीक किया आपने, शायद ज़िशान को भी आपकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी ना लगती। जो भी है, इस पूरी सिचुएशन में मेरा भाई तुम मुझसे दूर हो। आप परेशान मत हो, शाज़मा थोड़ी इनमेच्योर है लेकिन टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो, क्या ऐसा कुछ होगा? शाज़मा को हम बचपन से जानते, उसकी नेचर से हम सब बाखूबी वाकिफ हैं। एंड आई एम सरप्राइज कि ये सब चीजें ज़िशान को क्यों नजर नहीं आती। जानती हो मियाँ बीवी को शरीक हयात और लाइफ पार्टनर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक वाहिद रिश्ता है जो मरते दम तक इंसान के साथ रहता है। एक दूसरे का उनकी जिंदगी पे बहुत गहरा असर होता है। लेकिन अगर बीवी शाज़मा जैसी हो तो उस इंसान से दुआई कर सकता।